मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण यह एक बड़ा रोचक बिंदु है कि आखिर क्या है अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं नेचुराइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण क्या है ये यही जो प्रक्रिया है यही जो प्रक्रिया चल रही है प्रकृतिकरण और मानवीकरण की इन्हीं को ही मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य बिंदु माना गया है भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिसमें मानव के विकास में योगदान दिया है प्रकृति और मानव के अध्ययन से भूगोल में एक तरीके से द्वैतवाद का जन्म हुआ है द्वैतवाद क्या है जैसे शब्द है दो मानव का प्रकृति की ओर जाना और प्रकृति का मानव की ओर आना यही द्वैतवाद है प्रकृति और मानव के बीच ये जो संबंध है ये वैध नहीं है क्योंकि प्रकृति और मानव दोनों अविभाज्य तत्व हैं ऐसा कई विद्वानों का कहना है यानी यह सोचना कि मानव को प्रकृति से अलग किया जाए प्रकृति को मानव से अलग किया जाए और फिर उनका अध्ययन किया जाए इसमें कई विद्वान सहमत नहीं हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ये दोनों अविभाज्य हैं इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता प्रकृति और मानव एक दूसरे से पृथक करने ही संभव नहीं है ये बहुत ही दोनों एक दूसरे से तो बहुत जुड़े हुए हैं मनुष्य ने प्रौद्योगिकी की, की सहायता से सांस्कृतिक विकास किया ये तो हम जानते हैं कि जो उसका पूरा सांस्कृतिक विकास हुआ है जिसमें हम बात कर सकते हैं मकान बस्ती कृषि उद्योग परिवहन इस ये सब किस कारण संभव हुआ प्रौद्योगिकी के कारण प्रकृति के नियमों को समझकर प्रौद्योगिकी को अपने विकास का आधार बनाया मानव ने यानी समझना जरूरी है प्रकृति के नियमों को समझना बहुत जरूरी है तभी हम एक ऐसा विकास कर सकते हैं जो वास्तव में पर्यावरण को ध्यान में रखकर मानव का विकास हो घर्षण ऊष्मा इसकी जो संकल्पना से अग्नि की जो खोज हुई या डीएनए की बात करें डी न्यूक्लिक एसिड और आनुवंशिक के रहस्यों से बीमारियों पर विजय प्राप्त करना सीखा यानी हम पहले घर्षण सीखे घर्षण क्या है समझे एक दूसरे को रगड़ने से कुछ होता है यह समझने की यह समझ आई और फिर गर्मी हुई ऊष्मा हुई तो ये जो समझ आई इसकी परिकल्पना से ही इसकी संकल्पना से ही अग्नि की खोज हुई उसी प्रकार जो बीमारियां हैं इनके रहस्यों को जानने के लिए हमने डीएनए का अध्ययन किया और फिर आनुवंशिकी के रहस्यों को उनके जीन्स को समझने की कोशिश की तभी जाकर हमने बीमारियों पर विजय प्राप्त करना सीखा तभी जाकर हम बीमारियों पर को नियंत्रित कर पा रहे हैं यानी प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य पर प्रकृति का नियंत्रण कम होने लगा पहले क्या था पहले पूर्ण रूपेण प्रकृति मनुष्य पर हावी थी और मनुष्य प्रकृति के इशारों पर नाचता था पानी गिरा तो घबरा वह समझ नहीं पाता था क्या करें अपने को असमंजस में पाता था बहुत तेजी से बिजली कड़की उसे भी समझ नहीं पाता था और वो यहां वहां भागता था कुल मिलाकर ये बहुत समझने की बात है कि धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का जैसे जैसे विकास होता गया मानव का नियंत्रण प्रकृति पर बढ़ता गया दूसरे शब्दों में यदि बोले तो प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य पर प्रकृति का नियंत्रण कम होने लगा यह जो प्रकृति शुरू में जो हावी थी धीरे धीरे मानव उसके वश से औद्योगिकी विकास के कारण उसके वश से बाहर आने लगा यह बहुत समझने की बात है बहुत अहम बिंदु है और यही परिवर्तन गतिशीलता की बात हम मानव भूगोल में समझने की कोशिश करते हैं प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होकर मानव ने उससे समझौता कर लिया उन जग उन बिंदुओं पर उन बातों पर जो उसकी समझ से परे थी जिसे वह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और प्रारंभ में प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने लगा यानी मानव ढल रहा था और प्रकृति हावी थी मानव बदल रहा था और प्रकृति जस की तस थी या प्रकृति यदि बदल रही थी अपने आप तो मानव उसके अनुसार अपने को ढाल रहा था यह पूरी प्रक्रिया लाखों वर्ष की है सामाजिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में भी प्रौद्योगिकी का विकास कम था यदि हम बात करें जब समूह बने समुदाय बने या कबीले भी बने हों तो उस समय प्रौद्योगिकी जैसी कोई बात नहीं थी उस समय तो बहुत आधारभूत हथियारों के बल पर ही जिन्हें हम औजार कहते हैं हथियार की परिकल्पना भी आदिकाल के मानों को नहीं थी वह तो एक चीज देखता था जिसे हम औजार कहते हैं जिसके बल पर वह शिकार करता था तो उस समय तो प्रौद्योगिकी नाम की कोई चीज नहीं थी मानव और ताकतवर भौगोलिक शक्तियों के बीच परस्पर समन्वय को निश्चयवाद का नाम दिया गया है यानी निश्चयवाद क्या है निश्चयवाद मानव और प्रबल भौगोलिक शक्तियां प्राकृतिक शक्तियां या हम उसको कहें वातावरण की शक्तियों के बीच जो परस्पर समन्वय है उसे ही पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया पर्यावरणीय निश्चयवाद यह विकास की वो स्थिति है यह वो अवस्था है विकास का वह चरण है जब मनुष्य प्रकृति के अनुसार चलता था यानी सबसे आरंभिक जो चरण है सबसे प्रारंभिक चरण मानव इतिहास का या मानव काल का मानव विकास का यदि हम इतिहास देखें तो उसमें प्रारंभिक अवस्था वो है जिसमें प्रकृति के अनुसार मानव चले प्रकृति की भयानकता से डरकर उसकी पूजा करता था बिजली कड़की उसको समझ नहीं पाया उसको समझ थी ही नहीं कि ये क्या है लेकिन कड़क से वो घबरा जाता था चौंक जाता था और इस प्रकार बाद में हजारों काल के हजारों वर्षों के बाद कालांतर में ऐसी चीजों की वह पूजा करने लगा जिसे वह समझ नहीं पाता था या जो उसकी समझ के बाहर था तो so, डर के पूजा हुई पूजा का प्रारंभ एक तरीके से डर से हुआ चाहे बिजली का डर तो बिजली की पूजा पानी का डर तो बरसात की पूजा पानी गिरने की पूजा आदि आदि प्राकृतिक वातावरण के सामंजस्य और संरक्षण ने ही निश्चयवाद को जन्म दिया है और इस बात को इसका प्रतिपादन इस बात का जो सपोर्ट किया है वह है फ्रेडरिक रेडज़ेल ने जो मैंने प्रारंभ में बताया बहुत ही नामी भूगोल वेत्ता भूगोल शास्त्री माने जाते हैं और मानव भूगोल के का जिन्हें जन्मदाता कहा जाता है तो वो इस पर्यावरणीय निश्चयवाद पर विश्वास करते थे लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपने वातावरण और फिर प्राकृतिक बलों को प्राकृतिक गतिविधियों को प्राकृतिक क्रियाओं को समझना शुरू किया ये आप भी समझने की कोशिश करिए कि लाखों वर्ष के काल में जैसे 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 समय बीतते गया धीरे धीरे मानो प्राकृतिक वातावरण में होने वाली गतिविधियों को थोड़ा समझने लगा पर्यावरण को समझने लगा उसको कुछ समझ आने लगी इस बात को लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ ने उत्तम, शानदार और सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करना आरंभ हुआ आरंभ किया यानी प्रौद्योगिकी के विकास के साथ शुरू होता है मानव का प्रकृति पर नियंत्रण होने की प्रक्रिया का विकास मैं पुनः दोहरा दूं कि सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास जिसमें वह अपनी समझ के अनुसार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शुरू किया और उसका विकास करना शुरू किया तो जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता गया वैसे वैसे मानव का की समझ प्रकृति के प्रति बढ़ती गई और वैसे वैसे मानव प्रकृति पर धीरे धीरे हावी होने लगा ये पूरे जो बात बता रहे हैं इसको भी लाखों वर्ष लगे होंगे पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों से अनेक संभावित विकास हुए पर्यावरण से प्राप्त संसाधन क्या हैं लकड़ी पत्थर पानी पत्ते फूल आदि आदि ये सब पर्यावरण से ही तो मिलता है और तत्कालीन समय में ये उस समय के संसाधन ही तो थे तो जब ये पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों से जो विकास की संभावनाएं दिखी और विकास प्रारंभ हुआ यहीं से शुरू होती है मानव विकास की असली कहानी जिसमें वह प्रकृति पर धीरे 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 हावी होना शुरू करता है प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप उसके परिणाम से क्या हुआ कि अनेक सांस्कृतिक स्वास्थ्य केंद्र विश्राम स्थल खेत फलोद्यान चरा पत्तन आदि का निर्माण किया गया अनेक दृश्यावलियों का निर्माण किया गया खेतों का निर्माण किया गया खेत तैयार किए गए फलों के उद्यान तैयार किए गए चरा तैयार हुआ और ये सब कैसे हुआ मानवीय क्रियाओं के फल स्वरूप ही आदमी के द्वारा आदि मानव के द्वारा उसकी गतिशीलता का ही परिणाम था उसके वह उसने ये सबको जन्म दिया इसका निर्माण किया प्रकृति पर मानव के प्रयासों की सफलता को ही संभववाद का नाम विद्वानों ने दिया है तो प्रारंभ में जो चरण था उसको हमने परिभाषित किया समझा और उसका नाम था पर्यावरणीय निश्चयवाद और ये जो दूसरा चरण है जिसमें प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वह प्रकृति को बेहतर समझने लगा और प्रकृति पर अपने प्रयासों की शुरुआत की और उसमें सफलता मिलने लगी जैसे आग जलाने की सफलता लकड़ी को बारीक करने की सफलता तीर धनुष तीर बनाने में सफलता और इसके साथ ही साथ पक्की मिट्टी के ईंट बनाने में सफलता यानी ये सब तत्कालीन प्रौद्योगिकी के ही उदाहरण हैं तो इस समय जब वह धीरे धीरे प्रकृति पर हावी होना शुरू करता है अपने प्रयास के बल पर और वो प्रयास किस माध्यम से प्रौद्योगिकी के माध्यम से तो इसे क्या नाम दिया गया संभववाद और इस संभववाद के प्रणेता इस संभववाद के सबसे बड़े जो भूगोलवे इसके जो पोषक हैं वे हैं विडाल डी लब्लाश जिनकी परिभाषा पूर्व में बता दी गई है संभववाद के जनक विडाल डी लब्लाश ही कहलाए माने जाते हैं मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण यानि किस प्रकार मानव प्रकृति की ओर बढ़ रहा है और प्रकृति किस प्रकार मानव की ओर आ रहा है इन दोनों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही मानव भूगोल का मुख्य अंग मानते हैं यह बिंदु बारंबार कहा जा रहा है जहाँ तक ये मानव के प्रकृतिकरण और प्रकृति के मानवीकरण की बात है अभी हमने जो पढ़ी बात कि रेस्टेल जिन्होंने सबसे पहली थ्योरी सबसे पहली धारणा लाई निश्चयवाद की तो रेडजल के निश्चयवाद और विडाल डीला ब्लाश के संभववाद के बाद एक तीसरी अवधारणा सामने आई है जिसके जनक हैं ग्रिफिथ टेलर ग्रिफिथ टेलर एक नई विचारधारा के साथ मानव के विकास की अवधारणा रखते हैं और उनका कहना है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये परिवर्तन हम क्या प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं यह प्रश्न है दूसरे शब्दों में इनकी इस अवधारणा को ग्रिफिथ टेलर की अवधारणा को कहा जाता है नव निश्चयवाद नव निश्चयवाद में वो वह दशा है जिसमें प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं ऐसी संभावना ग्रिफिथ टेलर ने कही है यदि मैं थोड़ा पीछे जाऊं जो मैंने अभी बताया निश्चयवाद निश्चयवाद में मानव जो है वह पूरी तरह प्रकृति का गुलाम दूसरे स्तर में जो संभववाद है उसमें मानव जो है प्रकृति के साथ उस पर हावी होने की कोशिश यहाँ पर एक तरीके के सामंजस्य की बात है और ये चिंता जो मैंने अभी बताई आपको ओजोन लेयर की समस्या के साथ और अन्य परिवर्तनों प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ इस चिंता के कारण ही बढ़ती हुई चिंता के कारण ग्रिफि टेलर की ये नई अवधारणा आई जिसमें उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से प्रकृति पर हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए भी विजय प्राप्त कर सकते हैं वे तत्व जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हम उन तत्वों का उपयोग करें ऐसी चीज़ें ऐसे इन्वेंशन ऐसे आविष्कार जो हानि नहीं पहुंचाते हम उनका उपयोग करें और उनसे संभावित कार्यों का जो जन्म होता है जैसे मैंने यही बताया श्वेष कनाल श्वेष कनाल का उदाहरण देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा फिर से कि इससे निश्चित रूप से परिवहन की प्रक्रिया आर्थिक प्रक्रिया राजनीतिक प्रक्रिया विकसित हुई है लेकिन साथ ही कुछ राजनीतिक तनाव भी इससे उपजित हुए तो निष्कर्ष ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम परिवर्तन कर रहे हैं ये परिवर्तन पर्यावरण के साथ रहते हुए पर्यावरण के साथ समन्वय करते हुए बने रहें और इस प्रकार ऐसा करते हुए यदि हम इन सब चिंताओं को दूर कर सकते हैं जो प्राकृतिक परिवर्तनों में दिखाई दे रहे हैं परिलक्षित हो रहे हैं और हानिकारक हैं तो मानव भूगोल का, का एक बहुत बड़ा योगदान हो मानव भूगोल विषय का एक बहुत बड़ा योगदान होगा मानव भूगोल का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ जैसा मैंने बताया कि इनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं तीन विचारधाराएं आपके सामने आई और साथ ही करोड़ों वर्ष के ये विकास का क्रम इसमें देखा गया तो यदि हम बात करें कि मानव धर्म के मानव भूगोल के क्रमिक विकास या सक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ तो मनुष्य द्वारा प्रकृति के अनुकूल अपने को ढालने और स्वयं को प्रकृति के साथ मिलाने ये परिवर्तन जो है ये जो क्रमिक विकास है अत्याधिक धीरे 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 हुआ लेकिन अंतिम 300-400 वर्षों में यह परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तीव्र हो गई ये सब मानव ये जितने भी परिवर्तन हुए ये सब मानव के उदय के साथ ही हुए जब तक मानव एक जानवर था जब तक वह थिंकिंग एनिमल नहीं था तब तक प्रकृति जथावत बनी थी और प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे थे वे प्राकृतिक परिवर्तन ही थे लेकिन जैसे ही मानो एक थिंकिंग एनिमल बना सोचने वाला व्यक्ति बनना शुरू हुआ उसके साथ साथ अपना विकास शुरू किया और उसके विकास के साथ साथ उसका वातावरण के साथ छेड़खानी उसका वातावरण के साथ इंटरक्ट संबंध एक तरीके से प्रारंभ हुआ ये सब मानव के उदय के साथ जैसा हुआ मैंने बताया इस प्रकार इस विषय में मानव भूगोल में एक हम बहुत दीर्घकालीन प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं बहुत लंबे काल के अध्याय का अध्ययन करते हैं मानव भूगोल की अवस्थाएं और क्रमिक विकास के जो क्रम है थोड़ा हम उस पर नज़र डालें संक्षिप्त में ही पर यह जानना जरूरी है कि उसके क्रमिक विकास की के पायदान क्या क्या थे किन किन चरणों में उसका विकास हम मान सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं पहला आरंभिक उपनिवेश का समय पहला जो चरण मानते हैं वह आरंभिक उपनिवेश का समय जिसमें वह अन्वेषण करता था और विवरण देता था अन्वेषण करना और विवरण देना इस काल के मुख्य कार्य थे और करता क्या था संपादन कैसे करता था इसका साम्राज्यवादी विचारधाराओं ने नई खोज और अन्वेषणों को प्रोत्साहन दिया यानी ये आरंभिक उपनिवेश काल में जो अन्वेषण और विवरण आदि का जो कार्य हुआ वो मूल रूप से साम्राज्यवादी विचारधाराओं के कारण हुआ उन लोगों ने प्रोत्साहित किया विभिन्न क्षेत्रों का विश्व ज्ञान कोश भूगोलविदाओं का महत्वपूर्ण आधार बना और यही साम्राज्यवादी विचारधाराओं ने उपनिवेशवाद को भी जन्म दिया दूसरा चरण हम मानते हैं उत्तर औपनिवेशिक युग यानी तो उपनिवेश का समय और दूसरा उत्तर औपनिवेशिक युग जैसा आप पढ़ रहे हैं मानव भूगोल की अवस्थाएं और उसके क्रमिक विकास का यह दूसरा चरण है और इस इस काल में क्या कार्य हुए अब हम प्रादेशिक विश्लेषण करने लगे शुरू में तो हमने अन्वेषण किया और विवरण उस पर निकाला निष्कर्ष निकाला और अब हम एक क्षेत्रीय विश्लेषण करने लगे पृथ्वी के सभी प्रदेशों का विस्तृत वर्णन और उसकी पूरी तरह समझ का विकास हुआ ये वो दौर था जब पृथ्वी के हर क्षेत्र के बारे में क्षेत्रीय भावनाओं को या क्षेत्रीय बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने विस्तृत अध्ययन किया उसको बारे में विस्तृत वर्णन किया पूरी तरह हर क्षेत्र को समझने की कोशिश की यह बात कब की है यह बात है उत्तर औपनिवेशिक युग यानी साम्राज्यवादी काल ही था तो उपनिवेश है तो साम्राज्यवाद रहेगा ही तो साम्राज्यवादी काल में ही ये कार्य हुए जब प्रादेशिक विश्लेषण बढ़ने लगा तीसरा युग जो कहलाता है वह है 1930 का दशक और अंतरयुद्ध अवधि 1930 का दशक यानी 30 से 40 और अंतरयुद्ध अवधि यानी दोनों युद्धों के बीच का जो काल है प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बीच का जो काल है उसके बारे में उस दौरान मानव भूगोल की क्रमिक विकास में किस तरह के कार्य किएगा क्षेत्रीय विभेदन की जानकारी अर्थात क्षेत्रीय विभेदन यानी एक दूसरे क्षेत्र खे, एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से भिन्नता को समझना उनके कारणों को जानना और उसके साथ ही उसकी जो खासियत है उसको पहचानना ये था दोनों विश्व के बीच के समय का मानव विकास का विकास दौर मैं पुनः दोहरा दूं कार्य क्षेत्र को परिभाषित किया है क्षेत्रीय विभेदन शब्द से अंतर करना क्षेत्रीय अंतर करना यानी क्षेत्रीय विभेदन एक जगह से या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भिन्न क्यों होते हैं समान क्यों होते हैं अंतर होने के कारण जाने वहां की खासियत पहचाने और जो भिन्नता है उसको समझकर उनको पहचानने की कोशिश करें उन भिन्नताओं को यह था दोनों विश्व के बीच के काल का मुख्य कार्य और उसे इस रूप में संपादित किया गया चौथा यदि हम चरण देखें चौथी अवस्था मानव भूगोल की क्रमिक विकास की अवस्था तो चौथा चरण था जब मानव भूगोल में स्थानीय संगठनों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाने लगी जैसा मैंने पूर्व में बताया कि मानव भूगोल पर्यावरण और मानव के संबंधों परस्पर संबंधों गतिशील संबंधों का अध्ययन है तो ये मानव भूगोल जो विषय जब आया तो उसके जो चरण हुए उसके विकास के चरणों में चौथा चरण इस विषय के विकास के चरण चौथा चरण है 1950 से 1960 का दशक उस समय क्या हुआ जो क्षेत्रीय संगठन है ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके समझना उनके बारे में जानना और कैसे कंप्यूटर और डेटा सांख्यिकी विधियों के द्वारा यानी डेटा कलेक्शन के द्वारा डेटा इकट्ठा करना सर्वे करना कंप्यूटर के माध्यम से जानकारियाँ लेना मानचित्र और मानवीय घटनाओं का विश्लेषण मानवीय क्रियाओं का एवं मानचित्र योग प्रतियोग रूपों की पहचान यानी किसी क्षेत्र के हर क्षेत्र के संगठनों के बारे में वहाँ की जनता कैसे रहती है किस प्रकार की है कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं आदि आदि डेटा इकट्ठा करना और उस डेटा को कंप्यूटर में डालकर क्षेत्र की जानकारियों को और पक्का करने का काम इस दशक में हुआ इन दस वर्षों में जो घटनाएं किसी हर जो भी क्षेत्र में हुई उनका अध्ययन करना कि आखिर ये घटना यहाँ क्यों हुई उदाहरण के लिए यदि भूकंप आया किसी एक क्षेत्र में तो क्यों आया उनके कारणों पर जाना उसको तहकीकात करना उसकी गहराई पर जाना उसके निवारण करना और कारणों को बेहतर समझने का प्रयास ये 1950-60 के दशक में हुआ पांचवा विकास का क्रम किस चीज के विकास का मानव विकास का नहीं मैं पुनः दोहरा दू मानव भूगोल विषय के विकास का 1970 का दशक यानी 1970 से 1980 के बीच क्या हुआ क्या काम हुए मानव भूगोल के क्षेत्र में मानव भूगोल के विषय में मूलतः मानवतावादी अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ यानी मानव भूगोल एक बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट विस्तृत विषय बना और उसके अंदर ही विभिन्न विचारधाराएं आई तो जो कार्य हुए इस काल में वे मानवतावादी विचारधारा में आमूलवादी विचारधारा में और व्यवहारवादी विचारधाराओं में हुए जिनका उदय इन तीनों विचारधाराओं का उदय इसी काल में हुआ संपादन की यदि बात करें तो जैसा स्पष्ट दिख रहा है कि इन्हीं विचारधाराओं का जन्म इस काल में हुआ और मानव भूगोल का सामाजिक एवं आर्थिक विचार अधिक प्रासंगिक बना इन विचारधाराओं से मानव भूगोल का सामाजिक एवं आर्थिक विचार अधिक प्रासंगिक बना और इन विचारधाराओं ने अनेक नए संदर्भों को जन्म दिया छठवां और अंतिम पायदान मानव भूगोल के विकास में आज की तारीख तक उसे मानते हैं 1990 से 2000 तक का दशक ये सब दशक में बातें हो रही हैं तो 1990 से 2000 तक के दशक में एक और नए विचारधारा का जन्म हुआ और वह थी उत्तर आधुनिकवाद इस विचारधारा को बोलते हैं उत्तर आधुनिकवाद इसमें क्या हुआ क्या कार्य किए गए सामान्यकरण और मानवीय दशाओं की व्याख्या की गई वैश्विक सिद्धांतों की प्रायोजना पर विचार होने लगा और प्रत्येक स्थानीय भिन्नता की महत्ता पर बल दिया जाने लगा यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थानीय भिन्नता उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई जितनी कोई अन्य तरह की भिन्नता हो आखिर भिन्नता है क्यों यह एक सोच का अन्वेषण का अध्ययन का मुद्दा बना और सभी तरह की भिन्नताओं को का गहन अध्ययन इस काल में किया जाने लगा तो इस प्रकार मानव भूगोल की जो अवस्थाएं हैं और उसके जो क्रमिक विकास के जो पायदान हैं वो हमने यहाँ देखे जो छह हैं